हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रितेश महापुरी और आज मैं सिखाऊंगा रियलिस्टिक आइस में शेडिंग कैसे करते हैं। और आगे भी मैंने आइस के वीडियो बनाए हैं तो आप वो भी देख सकते हो। ये थोड़ी डार्क है तो ये मज़ा आने वाला है करने में, तो स्टार्ट करते हैं। पेंसिल लूँगा ब्लैक स्टेडलर 8B, जो डार्क पार्ट है वो मैं पेंसिल ब्लैक स्टेडलर 8B से करूँगा। पेंसिल हर बार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, पेंसिल कंपलसरी शार्प, बिकॉज़ यहाँ पे लाइनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लाइनिंग आपका अगर पेंसिल शार्प नहीं है तो इधर उधर हो सकता है। जब भी कोई भी लाइनिंग वर्क करना हो तो पेंसिल को स्टैंडिंग पोजीशन में पकड़िए ताकि आपकी लाइनिंग पतली निकले, ये भी एक टिप्स है। और जब शेडिंग करना हो तो पेंसिल को स्लीपिंग पोजीशन में पकड़ना है ताकि शेडिंग आपका इक्वल हो। ओके, तो इसमें जो ब्लैक पार्ट है वो मैं पेंसिल 8B से कर रहा हूँ। ओके, आईलाइसिस, आईब्रो, हेयर, आईबॉल, ये सब जो पोर्ट्रेट में होते हैं वो डार्क पार्ट होते हैं, तो वो हमेशा डार्क पेंसिल से ही करने होते हैं। और उसमें पेंसिल भी आपको शार्प रखनी पड़ेगी, तभी उसका अच्छा सा इफेक्ट आएगा, अच्छा दिखेगा। आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आप क्या सीखना चाहते हो मुझे कमेंट में बताइए, मैं हो सके उतना बनाने की कोशिश करूँगा। किसी ने बोला था रियलिस्टिक आई का, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है। ओके, तो यहाँ पे आईबॉल में आपको जो लाइनिंग दिख रहा है, मीन्स ये स्टोक है, वो आईलाइसिस और हेयर में मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो ये मैं पेंसिल 8B से कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे 6B का यूज़ कर सकते हो। और पेंसिल कंपलसरी शार्प इसमें, क्योंकि बहुत ही पतले पतले हेयर जैसे स्टोक है, तो तभी अच्छा दिखेगा और इफेक्ट आएगा 3D टाइप का। तो पेंसिल प्लीज़ शार्प रखें और स्टैंडिंग पोजीशन में इसके स्टोक मारने हैं।
ओके, तो अभी तक मैंने पेंसिल चेंज किया नहीं है। अभी जितना भी वर्क है वो मैं शेडिंग भी 8B से ही कर रहा हूँ, और शेडिंग के टाइम पे थोड़ा प्रेशर अप डाउन करना है, यानी ज़्यादा डार्क हो तो वहाँ पे पेंसिल प्रेस नहीं करना है, वहाँ पे ज़्यादा पेंसिल घुमा के शेडिंग करना है हल्के हाथ से, वो अपने आप डार्क हो जाएगा, और पेंसिल को राउंड राउंड घुमाना है, और शेडिंग के टाइम पेंसिल को पीछे से पकड़ना है ताकि प्रेशर क्रिएट ना हो और स्मूथ शेडिंग दिखे, आपका लाइनिंग वर्क ना दिखे। ओके, तो मैं पेंसिल कंटिन्यू 8B ले रहा हूँ और आईलैशेस कर रहा हूँ। पोर्ट्रेट में आईलैशेस का बहुत ही अहमियत होता है, मीन्स लुक जो होता है वो इसी पे होता है, तो इसको एकदम शांति से अच्छे से ड्राइंग भी करना है और उसके स्ट्रोक भी लगाना है, तो आईलैशेस बहुत ही टाइम लेके शांति से करना है। पेंसिल को हाथ में घुमाते रहना है ताकि पॉइंट काम मिलता रहे, और नीचे से थोड़ा सा प्रेस करके ऊपर की तरफ छोड़ देना है। आईलैशेस नीचे से थोड़े से ब्रॉड आएंगे और ऊपर से एकदम पतले हो जाने चाहिए, तो इस तरीके से आप नीचे से ब्रॉड यानी कि प्रेस करके ऊपर की तरफ छोड़ देना है। आप चाहो तो इसका बेसिक में वीडियो मैंने बनाया है, तो आईलैशेस और आईब्रो के वीडियो देख सकते हो आप। आप देख सकते हो मैं एकदम टाइम लेके शांति से यहाँ पे स्ट्रोक लगा रहा हूँ। और एक बात और कि मैं पेंसिल को बार बार बीच बीच में शार्प कर रहा हूँ, तो पेंसिल आईलैशेस में कंपलसरी शार्प रखना है, और पेच को लास्ट तक संभालना है, चाहे कितना भी आप छोटा या बड़ा वर्क कर रहे हो। तो हाथ के नीचे हमेशा बटर पेपर बेस्ट है उसके लिए, तो हाथ के नीचे हमेशा बटर पेपर का यूज़ कीजिए, ये पेज को ख़राब नहीं होने देता। ओके, तो अभी मैं मिक्सिंग के लिए मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। ब्रश को आपको सोच समझ के अप्लाई करना है, मींस किस जगह पे डार्क है किस जगह पे लाइट है, तो वहाँ पे आपको सोच समझ के, यानी कि डार्क है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा घुमाना है, लाइट है वहाँ पे थोड़ा कम घुमाना है, और कुछ पार्ट ऐसे हैं वो मेकअप ब्रश से ही सेट हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको पेंसिल का शेडिंग करने का भी ज़रूरत नहीं रहेगा।
ओके, तो अभी मैं पेंसिल इरेजर का यूज़ करूँगा। ये कोहिनूर पेंसिल इरेजर है, इसका लाइट निकालने के लिए यूज़ करूँगा। यहाँ पे आई बॉल में जहाँ जहाँ लाइट है वो मैं इससे इरेज करूँगा। ओके, तो अभी मैं ले रहा हूँ पेपर स्टम्प। पेपर स्टम्प इसलिए क्योंकि कुछ जगह है जो बहुत छोटी है और कुछ डार्कनेस एरिया है, तो वहाँ पे ब्रश से हम नहीं कर सकते, इसीलिए मैं स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ। और कौन सा टूल्स यानी कि टिश्यू, फिर पेपर स्टम्प या फिर तो ब्रश आप किस जगह पे यूज़ कर सकते हो, इस पर मैंने बेसिक का वीडियो आगे बनाया है, तो आप वो मटेरियल का वीडियो देख सकते हो। ओके, तो वापस ले रहा हूँ मैं ब्लैक स्टेलर 8B पेंसिल। यहाँ जितना भी डार्क एरिया है वो मैं 8B पेंसिल से करूँगा। और पेंसिल प्रेस नहीं करना है यहाँ पे, स्मूथली धीरे 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 स्ट्रोक लगाते रहना है, शेडिंग करते रहना है और अपने आप ही ये डार्क होते जाएगा। अगर आपको अच्छा वर्क करना है तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, धीरज रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर फटाफट से करोगे तो फिर इतना अच्छा काम होने वाला नहीं है, तो थोड़ा टाइम दीजिए आप। और मैंने बोला था कि बीच बीच में कुछ ना कुछ टिप्स दूंगा, तो आज का टिप्स ये है, ये टिप तो नहीं है मगर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जब भी मैं कुछ भी वर्क करता हूँ और मैं समझ लेता हूँ कि ये ख़त्म हो गया है, फिर उसको नेक्स्ट डे को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें और काम बाकी है। तो आपको भी यही करना है, अगर आपको लगे तो आपको एक दो दिन के बाद वही वर्क को देखना है, फिर जो कमी लगे तो उसमें वापस वर्क करना है। तो इस तरीके से आपका वर्क बहुत अच्छा बनेगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि फटाफट से अपलोड नहीं कर देना है, फटाफट से कहीं भी शेयर नहीं कर देना है, उसको थोड़ा टाइम दीजिए। जब आपका मन करे तब अपलोड मत कीजिए, उसके एक हफ्ते बाद कीजिए, तो एक हफ्ते के बाद आपका रिज़ल्ट कुछ और ही होगा, आपका पिक्चर कुछ और ही होगा। ये बहुत बड़े टिप्स है, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
ओके, पेंसिल ले रहा हूँ ब्लैक 4B। यहाँ पे जो भी लाइनिंग्स है और थोड़ा सा उसमें शेडिंग है वो मैं ब्लैक 4B से करूँगा। और जब भी लाइनिंग वर्क करना हो तो मैंने बताया है कि पेंसिल को स्टैंडिंग पोजीशन में पकड़ना है और पेंसिल कंपलसरी शार्प। देखिए यहाँ पे मैं जब भी शेडिंग करूँगा तो मेरा पेंसिल स्लिपिंग पोजीशन में होगा और पेंसिल पे प्रेशर नहीं देना है। ओके, तो अब मैं ले रहा हूँ ब्लैक स्टेलर 6B पेंसिल। थोड़ा सा और डार्कनेस बढ़ाते हैं। डार्क करने से डरना नहीं है, मुझे बहुत पसंद है डार्कनेस, डार्क पिक्चर मुझे बहुत पसंद है। तो डार्क हमेशा अच्छा ही लगता है पोर्ट्रेट में भी, तो डार्क करने से डरिए मत, डार्क कीजिए। ओके, पेंसिल चेंज करके ले रहा हूँ ब्लैक शेडलर HB पेंसिल। यहाँ पे जो नर्स दिख रही है अंदर छोटी छोटी एकदम बारीक, तो वो मैं HB पेंसिल से करूँगा और थोड़ा सा शेडिंग भी इसी से कर लूँगा। जहाँ पे लाइट दिख रहा है वहाँ पे लाइट दिखाना है, ऊपर की यहाँ पे ऊपर के एरिया में भी इसी से। और भी देखिए मैंने पेंसिल को पीछे से पकड़ा है, छोटी हो गई तो पेंसिल एक्सटेंशन लगा के भी पीछे से ही पकड़ा है। पेंसिल को हमेशा पीछे से पकड़ के ही शेडिंग करना है और तभी आपका लाइक और स्मूथ शेडिंग होगा। Thank you.
ओके, तो वापस ले रहा हूँ मैं ब्लैक स्टेलर 8B। नीचे की आईलाइसिस भी बहुत डार्क है, तो मैं ये भी ब्लैक स्टेलर 8B से करूँगा। वैसे जनरली ये इतनी डार्क होती नहीं है, मीन्स कभी भी आप किसी का भी पोर्ट्रेट बनाओगे तो ऊपर की आईलाइसिस डार्क होगी, नीचे की जो भी आईलाइसिस है वो ऊपर से मुकाबले में लाइट होगी। लेकिन इस आई को बहुत अट्रैक्टिव बनाया है, तो इसमें ऊपर की भी डार्क है और नीचे की भी डार्क है। पेंसिल कंपलसरी शार्प, क्योंकि आईलाइसिस कर रहे हैं तो पेंसिल कंपलसरी शार्प, और पेंसिल को स्टैंडिंग पोजीशन में रख के स्ट्रोक मारना है। आप देख सकते हो मैंने आईलाइसिस में कितना टाइम लिया है, ऊपर की भी और नीचे की भी आईलाइसिस में मैं अभी टाइम ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले से पतला पॉइंट करके यहाँ पे आईलाइसिस की लाइन ड्रॉ कर ली है, और अभी नीचे से ब्रॉड कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके, तो आईलाइसिस होने के बाद जो भी शेडिंग यहाँ पे बचा है वो भी मैं ब्लैक स्टेलर 8B से ही करूँगा, और जहाँ ज़्यादा डार्क है वहाँ पे मैं ज़्यादा पेंसिल को घुमाऊँगा, मीन्स शेडिंग करूँगा, और लाइट है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कम करके वहाँ पे शेडिंग करूँगा। 8B का शेडिंग होने के बाद आपको मैजिक दिखने को मिलेगा। मैजिक मीन्स मेकअप ब्रश का मैजिक। मेकअप ब्रश एक ऐसा टूल्स है जो बहुत ही स्मूथली और बहुत ही मस्त ब्लेंडिंग करता है, तो इसके बाद लास्ट में हम वो करेंगे। ओके, तो पेंसिल ले रहा हूँ अभी मैं ब्लैक स्टेडलर 4B, क्योंकि नीचे जा रहे थोड़ा लाइट है, तो मैं ब्लैक 4B का यूज़ कर रहा हूँ।
पेंसिल को पीछे से पकड़ना है और एकदम हल्के हाथ से शेडिंग करना है। ओके, तो फाइनली अब ले रहा हूँ मेकअप ब्रश। जितना भी यहाँ पे ब्लेंडिंग करना है वो मैं सब मेकअप ब्रश से करूँगा। आप खुद ही देख लीजिए इसका मैजिक। तो मैं एकदम ये हल्के हाथ से कर रहा हूँ और जहाँ पे मुझे डार्कनेस चाहिए वहाँ पे ज़्यादा घुमा रहा हूँ। मेरे पास मेकअप ब्रश का पूरा सेट है, जिसमें से तीन मेरे फेवरेट है। एक थोड़ा सा पतला है, एक मीडियम है और एक थोड़ा सा बड़ा है। तो ये थ्री में स्टेप बाय स्टेप जहाँ जिसकी रिक्वायर होती है तो मैं यूज़ बार बार करता हूँ, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे वो यूज़ करता हूँ। ओके, तो अभी ले रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक इरेजर। जो भी वाइटनेस निकाल रहा है तो मैं इलेक्ट्रिक इरेजर का यहाँ पे यूज़ करके वो निकालूंगा। आप यहाँ पे नीचे देखोगे तो कुछ वाइट डॉट जैसे दिख रहे हैं, तो वो मैं सब इलेक्ट्रिक इरेजर से कर रहा हूँ। ये इजीली निकाल देगा, तो ये पेस्ट है। ओके, तो लास्ट में अभी जो भी फिनिशिंग है उसके लिए ले रहा हूँ मेकअप ब्रश। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं, ये यहाँ पे बन गया है। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।